नमस्कार सर, कैसे नमस्कार, पहुंचे आप हैं आप? सबको बढ़िया बढ़िया बढ़िया। सर, एग्जिट पोल एकाएक टेलीविजन चैनलों से केजरी गायब हो गए सर, जी तो उनके 600 करोड़ का ऐड क्या होगा सर? ये एकाएक ये क्या हो गया खेला? मतलब पैसा लिया तो दिखाना तो चाहिए, एकाएक केजरी कैसे गायब हो गए टेलीविजन चैनलों से? हाँ। अब कई असल में असलियतें ऐसी खुल के आने लगी कि अब इनके पास मुंह छुपाने की जगह नहीं। जैसे दो घटनाक्रम जो है, एक तो जो कोर्ट के अंदर ये जाहिर हुआ कि रेमडेसिविर इंजेक्शन जो है कि 52,000 इसको सप्लाई दी गई थी, अभी केवल 2,500 बताता रहा। इसका मतलब जो दिल्ली में ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी वो सरकार के संरक्षण में, सरकार के द्वारा सरकार के बैठे लोग कर रहे थे। ये बहुत, अभी तो उस पर लोग ध्यान नहीं दे रहे, बहुत बड़ा आपराधिक मामला नहीं, अमानवीय, इस पे तो एक तरह से मुकदमा दर्ज होना चाहिए केजरी के खिलाफ। अब उस पे लोग क्या सफाई देंगे, तो कोर्ट के अंदर की प्रोसीडिंग है वो। दूसरे, कल एक वीडियो आया सामने, आपने देखा होगा, मतलब वो तो इस आदमी के ऊपर हत्या के प्रयास का, ये हत्या का मुकदमा चलना चाहिए केजरीवाल पे। आपने देखा होगा भाजपा के प्रवक्ता नवीन कुमार, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से जारी किया है इसको। उसमें दिल्ली के नजफगढ़ में एक ऑक्सीजन फैक्ट्री है और उस ऑक्सीजन फैक्ट्री का मालिक स्वयं बता रहा है ऑन कैमरा कि साहब, ये मेरी फैक्ट्री एक दिन में 500 सिलेंडर रिफिल करती थी, मेरे पास कोई कमी नहीं है। लेकिन 20 तारीख को दिल्ली सरकार के एसडीएम आया, उसने फैक्ट्री को सील कर दिया और तब से मुझे एनओसी नहीं दी जा रही, मैं सिलेंडर रिफिल नहीं कर सकता हूँ। जिस दिल्ली में एक एक सिलेंडर के लिए हाहाकार था मनीष जी, वहां पे 500 सिलेंडर रोज की सप्लाई कर रहा था। यही सिलेंडर एक मरीज के लिए 2-3 दिन काम आता है। जो जो फैक्ट्री 500 सिलेंडर रोज सप्लाई कर सकती थी, उसको 20 तारीख को उन्होंने क्यों बंद किया? मतलब आप देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने वो तमिलनाडु का जो वेदांता का प्लांट है जो बरसों से बंद था, उसको आपातकालीन खोलने की वो कहा है कि इसको आप शुरू करिए तत्काल। और इसने चलती चलाती हुई एक फैक्ट्री को 20 अप्रैल को बंद कर दिया। केजरीवाल इसकी सफाई देगा कि कोई चैनल उससे भी पूछ नहीं रहा, अभी भी अपने विज्ञापन का कर्ज उतार रहे हैं। अन्यथा वो वीडियो है, आप नवीन कुमार जी के हैंडल पे जाइएगा, तो उन्होंने स्वयं लिया है और वो आदमी खुल के कह रहा है कि एसडीएम 20 अप्रैल को आया, उसने मेरी फैक्ट्री बंद करा दी, तब से मैं एनओसी के लिए घूम रहा हूँ, मुझे कोई नहीं दे रहा है और मैं ये एक दिन में 500 सिलेंडर रिफिल करने की मेरी क्षमता है और मेरे पास साधन है सब, लेकिन मैं नहीं कर सकता। तो किस मुंह से उसका विज्ञापन दिखाए या किस मुंह से वो विज्ञापन जारी करे, वो नंगा हो रहा है धीरे धीरे। तो क्या सर टीवी चैनलों को बहाना मिल गया केजरी से मुक्ति होने का? क्योंकि जब हाईकोर्ट कह रहा है इस तरह से, और जिस जिस तरह से चीजें सामने आ रही है, कपिल मिश्रा, आप तो नवीन कुमार की बात करें, कपिल मिश्रा ने तो एफआईआर की बात की है। कपिल मिश्रा ने कहा कि हाँ आदमी हत्यारा है, तो ऐसे हाँ बिल्कुल लोगों का सही महिमा मंडन कैसे होता है टेलीविजन चैनलों पर? बात। सिर्फ पैसे का लालच है, सिर्फ पैसे का लालच। ये पैसों के लिए भेड़िए बन गए हैं, भेड़िए बन गए हैं, इनको शर्म नहीं है। इन्होंने आप भाई विज्ञापन आप दिखाइए, आपको विज्ञापन दिखाने से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आप उसकी खबरों से तो समझौता मत करिए। मनीष जी, आपको एक छोटा सा अपना अनुभव बताता हूँ। जी 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 मैं बहुत बहुत शुरुआती दौर था 1998-99, एक बहुत बड़े बाहुबली है वो इस दुनिया में नहीं रहेगा, विधायक वो कई बार, मतलब वो एक तरह से निर्विरोधे जीतते थे, प्रतीकात्मक विरोध होता था और वो एक बड़ी पार्टी से जुड़े हुए। तो उन्होंने एक बार फाइव स्टार होटल में रात में डिनर रखा और कुछ चुनिंदा उन्होंने 15-20 लोगों को बुलाया, संयोग से मैं भी उसमें था, और जिनको मैं एक तरह से बिल्कुल अपना आदर्श मानता हूँ वो भी थे उस डिनर में। वो आज की तारीख में हिंदुस्तान के सबसे बड़े अखबार में टॉप 3 में है। उस समय वो चीफ रिपोर्टर थे लखनऊ। तो हम लोग बैठे वहां पे, खाया पिया बहुत बढ़िया, स्टार्स थी सब बड़े, फाइव स्टार होटल था, स्वीट में दावत थी। लेकिन रात में 12-1 बजे जब निकले तो मैं बिल्कुल समझिए शुरुआती दौर था, तो 2-4 साल हुए थे। तो हमने उनसे कहा, हमने कहा भाई साहब एक बात बताइए, क्या ये हम लोगों को नैतिक रूप से ये रूट करता है? ऐसे लोगों की दावतों में हम लोग आए बैठे खाएं, ये आना चाहिए हम लोगों को? तो वो हम लोग लॉबी से निकल रहे थे, वो ठहर गए, कहने लगे ऐसा है कि कभी दिमाग में सवाल मत लाना, कहें जब ऐसे लोग आए बुलाएं आपको किसी दावत में किसी भी पार्टी में, तो कहें सारे काम छोड़ के जरूर जाओ और पूरा भरपेट खाओ, भरपेट पियो अगर तुमको शराब पीने का शौक है। कहें लेकिन बस एक चीज का ध्यान रखना कि जब वहां से खा पी के निकलो तो ये कसम खा के निकलो कि अगले कल या परसों 1-2 दिन में इसकी खाल हम खींच लेंगे, ताकि इसको यह एहसास हो जाए कि
कि हम खिला पिला के पत्रकार को खरीद नहीं सकते हैं। तो मैं तो खैर मनीष जी उस समय मैगजीन का भी यूरो चीफ था, वो एक दैनिक अखबार भी थे जिसमें आज की तारीख में बहुत टॉप पे हैं, तो वह मैं निगाह रखते था। और वास्तव में दो दिन बाद उन्हीं बाहुबली महोदय के लिए उन्होंने जो रिपोर्ट लिखी थी वो अद्भुत लिखी, मतलब बिल्कुल नंगा कर दिया था उस आदमी को। तो आप ठीक है विज्ञापन वो देता, विज्ञापन आप चलाइए, लेकिन आप उसके कारनामों से उसकी करतूतों को पर्दा मत डालिए, उसको वकील मत बन जाइए। विज्ञापन एक मार्केटिंग का, विज्ञापन एक बिजनेस का पक्ष है, ठीक है वो देर चलाएंगे अपने, लेकिन जो हमारा संपादकीय पहलू है उससे थोड़ी हम समझौता करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो इन्होंने वो काम शुरू कर दिया, ये विज्ञापन लेने के बदले में उसके मतलब उसकी करतूतों पर पर्दा डालने में जुट गए। यही चीज हमें जो है व्यूअर्स तो परेशान कर रहा है, इसीलिए आज मैं देख रहा हूं कि बड़े पैमाने पे लोग जो हैं वो मेन स्ट्रीम मीडिया को छोड़ करके उन लोगों को देख रहे हैं जो यूट्यूब पे आ गए, जिनने पत्रकारिता कभी नहीं की, ऐसे ऐसे लड़के जो नए नए लड़के हैं और उनको लोग देख रहे हैं, उन पे भरोसा कर रहे हैं, इन चिरकुटों पे कोई भरोसा नहीं। आप जो सर आपने जो बात कही पत्रकारिता के पहले कोर्स में यही शिक्षा हमें दी गई, लेकिन ये सच जो है आप जैसे कुछ लोग तो कर पाए, सज्जन कुमार को जानते होंगे, 84 दंगे में हत्यारा सज्जन कुमार, हाईकोर्ट ने सजा दी। सज्जन कुमार हर साल जनवरी महीने में भोज देता था और प्रिंट के पत्रकार गिद्ध की तरह आते थे और सज्जन कुमार के खिलाफ किसी भी पत्रकार को लिखने की हैसियत नहीं होती थी। ये भूमिका मैं आज इसलिए बांध रहा हूं ताकि लोगों को ये समझ में आए कि कैसे केजरी का इंटरव्यू आज एकाएक गायब क्यों हो गया और क्यों केजरी का इंटरव्यू आता है आधे घंटे में और उसके बाद तुरंत कुछ ही देर बाद सर उसका जो है वो केजरीवाल फलाना जगह गए 500 बेड गए दिल्ली हाईकोर्ट में। आपने यदि कल सुना होगा, यदि दिल्ली हाईकोर्ट ने कल केजरीवाल को के वकील को कहा ऊंची आवाज में बात मत करो, आवाज नीचे करो। इसके बाद से दरअसल टीवी चैनलों को ये समझ में आया कि खेला हो क्या रहा है। इससे कुछ ये लोग आप ही जैसे लोगों की वजह से उस खबर को किल नहीं कर पाए, अन्यथा अगर केवल इन्हीं का वर्चस्व होता जैसे पहले था तो ये इस खबर को लाते ही ना सामने। लेकिन अब इनको मालूम है कि मनीष ठाकुर जी ऐसे बहुत से लोग लगे हुए हैं जो इस सच को सामने आने से कोई रोक नहीं पाएगा, ये लोग सच ला देंगे तो इनको शर्म आने लगी है। पहले भी यही काम करते थे, लेकिन पहले इनको था इनको कि अगर हमने खबर को ढक दिया फिर कोई इसको सामने नहीं ला सकता, कोई दूसरा साधन नहीं है। लेकिन आज की तारीख में सोशल मीडिया इनके लिए बहुत बड़ा सरदर्द हो गया है, इनके कारनामे जो है सामने आ जाते हैं सर। इनके कारनामे के लिए मैंने किताब जो है आज आ गई है, आपसे बेहतर समीक्षा कोई लिख नहीं पाएगा। मैं आपसे आपको पोस्ट करूंगा, आपके लिए गिफ्ट है होगा ये, और आप इसमें एक समीक्षा कीजिए सर। 20 साल के टीवी पत्रकारिता का पूरा काला चिट्ठा है और मुझे सर लगता है कि पत्रकारों ने आमतौर पे जो किताबें लिखी है वो अपने रिपोर्ट की संग्रह लिखी है। ये अपने आप में एक ऐसी कहानी है टीवी पत्रकारिता का। मैं आपको दूंगा, मैं अपने मन से क्या कहूं, यदि आप खुद पढ़ेंगे तब समीक्षा लिखेंगे। ये पूरा चिट्ठा है सर अपने आप में और ये दिखाता है कि किस तरह से जिन साख के पेशे के बेईमानों ने इस पेशे का क्या किया है।